Assalamu alaikum, dear students of class 10th. Hope you all are fine by the grace of Almighty Allah. So far we were discussing the properties of chemical properties of carbon compounds in general. In the chemical properties of carbon compounds, we discussed combustion, oxidation, addition and substitution. Four chemical properties of general carbon compounds. Now some of the carbon compounds that we discussed, hydrocarbons or their derivatives, जैसे alcohols हैं, carboxylic acids हैं, या ketones हैं. Some of the carbon compounds are important as per their economic importance is concerned. And some of the carbon compounds are economically important. There are many, but in the syllabus of your class 10th, two important carbon compounds are to be discussed. यहाँ पर उन तमाम कार्बन कंपाउंड्स में से जितने भी कार्बन कंपाउंड्स इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट हैं आपके टेंथ के सिलेबस में उनमें से दो कार्बन कंपाउंड्स को आपको डिस्कस करना है. वन ऑफ दैट इम्पॉर्टेंट केमिकल कार्बन कंपाउंड इन इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड इज इथेनॉल. जैसे इथेनॉल इटसेल्फ इंडिकेट्स दैट इट इज़ द मेंबर ऑफ अल्कोहल्स, इट इज़ अल्कोहलिक फैमिली. किस फैमिली से बिलोंग करता है ये, किस फैमिली से बिलोंग करता है, अल्कोहल से, इट इस अल्कोहलिक फैमिली से बिलोंग करता है. एंड इस अल्कोहलिक फैमिली का ये कौन सा मेंबर है, इट इज सेकंड मेंबर ऑफ अल्कोहलिक फैमिली, सेकंड मेंबर. द फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्कोहलिक फैमिली इज मेथनॉल, इथेनॉल इज द सेकंड मेंबर ऑफ अल्कोहलिक फैमिली, इट बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ अल्कोहल्स. इट्स केमिकल फार्मूला इज, इट्स केमिकल फार्मूला इज, ये चीज़ें आपको याद रखनी है, CH3CH2OH, और वी कैन राइट इट इन द कंडेंसड फॉर्म एज C2H5OH, C2H5OH. लास्ट डे हमने एक क्वेश्चन डाला था, वहाँ पर किसी बच्चे ने ये देखा था C2H6O, लेकिन आपको ये याद रखना है कि वो ऐसे काउंट करते हैं दैट C2H से पाँच तक से. लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज़ का ख्याल रखना है कि अल्कोहल्स का जो फंक्शनल यूनिट है, यानी जिस मॉलिक्यूल की वजह से, जिस मॉलिक्यूल की प्रेजेंस से ये इथेनॉल यानी इथेन अल्कोहल बनता है, दैट इज़ OH. तो OH जो यहाँ पर है, ये H जो है, ये हाइड्रोकार्बन का हाइड्रोजन नहीं है, ये अल्कोहलिक फैमिली का रिप्रेजेंटेटिव है. इसे हम कहेंगे रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अल्कोहल्स. तो ये अल्कोहल्स का रिप्रेजेंटेटिव अलग है. क्या है अल्कोहल का रिप्रेजेंटेटिव, यानी कौन सा मॉलिक्यूल अल्कोहल्स को रिप्रेजेंट करता है, दैट इज OH. तो प्रेजेंस ऑफ OH मेक्स अ मॉलिक्यूल और ए कंपाउंड हाइड्रोकार्बन एज अल्कोहल. इसलिए जब हम मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखेंगे तो मॉलिक्यूलर फार्मूला में है इट इज C2H5, यानी हाइड्रोकार्बन, और इस हाइड्रोकार्बन के साथ किस फैमिली का रिप्रेजेंटेटिव अटैच है, दैट इज OH. OH इंडिकेटेड दैट इट इज द फैमिली मेंबर ऑफ अल्कोहल. इसलिए केमिकल फार्मूला में आप याद रखेंगे दैट इट इज CH3CH2OH और C2H5OH, नॉट C2H6O. ठीक, क्योंकि ओह अगर हम लिखेंगे अलग तो ये शायद कीटोन को ही इसको कंसिडर कर सकता है, ये कीटोन फैमिली का भी मेंबर बन सकता है, या बनेगा नहीं लेकिन कंसिडर किया जा सकता है. अल्कोहल्स का जो फंक्शनल ग्रुप यानी रिप्रेजेंटेटिव जो इनको रिप्रेजेंट करता है, दैट OH, इसलिए OH को अलग लिखना है. अब नाम, इट इज कॉमनली नोन एज इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, और इट इज कॉल्ड इथेनॉल, और इट इज कॉल्ड, याद रखना, इट इज कॉल्ड इथाइल अल्कोहल और इथेनॉल और सिंपली अल्कोहल, और सिंपली अल्कोहल. ये इसकी मतलब अपनी खासियत है कि इसका नाम कि किस फैमिली से बिलोंग करता है, अल्कोहलिक फैमिली से बिलोंग करता है, सेकंड मेंबर है उस फैमिली का, फार्मूला क्या है C2H5OH या CH3CH2OH, इसका जो कॉमन नेम है दैट इज इथाइल अल्कोहल, और IUPAC नेम जो है दैट इज इथेनॉल. ठीक, इट इज़ द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ ऑल बेवरेजेस. इसकी ये खासियत है कि जो भी शराब आती है ना बाजार में, ठीक, जो भी शराब, चाहे जिस भी ब्रांड की, जिस ब्रांड की सूरत में भी शराब आता है, हर एक शराब की सूरत में, हर एक शराब में इथेनॉल प्रेजेंट होता है. इथेनॉल इज द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ बीवरेज लाइक विस्की,
वाइन बियर बी ठीक बियर और कफ सिरप जो होती है ना कफ सिरप अब ये बैंड है एक वो कफ सिरप आ रही थी आती थी ना वो बाजार में उसका नाम इस वक्त भूल गया है ठीक जिसको बैन किया गया है क्योंकि उसमें अल्कोहलिक कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है और जो भी डाइजेस्टिव सिरप्स आते हैं डाइजेस्टिव सिरप्स जब कोई बदहजमी की सूरत होती है ना तब दवाई जो लाते हैं ना जो इंडाइजेशन को क्लियर करने में जो मदद करते हैं ना दवाई उसमें भी ये इथेनॉल एक मेन कंस्टिट्यूएंट होता है क्या बात नाउ डिस्कसिंग इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज फिजिकल प्रॉपर्टीज जो आपको याद रखना है इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी ये है फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ इथेनॉल इज दैट इट इज कलरलेस लिक्विड इट इज कलरलेस लिक्विड हैविंग प्लीजेंट स्मेल हैविंग प्लीजेंट स्मेल ये इसकी एक फिजिकल प्रॉपर्टी आप में ये देखना है दैट इज अ कलरलेस लिक्विड इसका कोई कलर नहीं है बट इट इज हैविंग प्लीजेंट स्मेल वी कैन डिफरेंशिएट इट फ्रॉम द वाटर विद द हेल्प ऑफ इट स्मेल वाटर भी कलरलेस होता है ये भी कलरलेस है लेकिन इस स्मेल की वजह से वाटर से डिफरेंशिएट हो सकता है शाबाश नंबर सेकेंड इट इज बॉइलिंग पॉइंट इज 351 केल्विन It is boiling point is 351 Kelvin and its iski density jo hai that is less than water it is light that means it is lighter than water lighter than water yani agar density ke hisab se isko compare kiya jaye water se it is lighter than water how can we compare that if we take two equal bottles अगर दो बोटल्स हम लेंगे इक्वल वैल्यूम्स की इक्वल वेट की एक में शराब डालेंगे और एक में पानी डालेंगे आ बोतल बासे अस गुप शराब बोतल बासे अस लूज इवन की कंसंट्रेशन मिक्सदार अस बराबर ठीक ये क्या है बिकॉज डेंसिटी इज लेस देन दैट ऑफ वाटर दैट इज हियर मैंने लिखा है इट इज लाइटर देन वाटर एंड इट इज मिसिबल अब जब वाटर के साथ इसको मिलाया जाता है जैसे आपने कहीं पर ऑब्जर्व किया होगा जब शराब को पानी के साथ मिलाया जाता है तो ये पानी के साथ हर मिक्स क्वांटिटी में मिक्स हो जाता है चाहे कम डालें आप पानी या ज़्यादा डालें कम डालें शराब में ज़्यादा डालें तो ये पानी के साथ हर सूरत में मिक्स हो जाता है इट इज़ मिसिबल इन वाटर इन ऑल प्रपोर्शंस यानी वाटर के साथ किसी भी मिकदार में मिक्स होता है एंड वन मोर फिजिकल प्रॉपर्टी आपको याद रखना है इट हैज़ नो इफेक्ट ऑन no effect on litmus paper or litmus solution yani litmus paper aapne acid base salts ka yaad agar ho to litmus paper is an indicator which indicates whether a substance is acid or base by given different colors lekin litmus paper pe ethanol ka koi asar nahi hota hai that means it is neither acidic nor basic in its nature these are the physical properties that you are supposed to remember about the ethanol kyunki iske jo question aata hai wo aata hai iska what is ethanol pehle ye likha ethanol hai kya ethanol is the second member of alcoholic family having chemical formula like this you have bataya CH2C2H5OH its physical properties theek give its physical properties chemical properties and uses isme char cheeze aati hain what is ethanol its physical what are its physical properties what are the chemical properties of ethanol and what are the uses of ethanol isliye hum step by step aage chalte hain pehle iska introduction padha second step is its physical properties jo aapne yaad rakha aur jo aap copy down bhi karenge and now discussing its chemical properties chemical properties of ethanol देखो बेटा फर्स्ट आपको ये याद रखना है कि इथेनॉल जो है इट इज C2H5OH ये डेराइवेटिव ऑफ कार्बन कंपाउंड है कार्बन की हमने जनरल प्रॉपर्टी पढ़ी कि कार्बन कंपाउंड्स की एक खासियत है दैट इज कंबशन
ये कार्बन कहते कंपाउंड कंपोस्टेबल छे तलसना इथेनॉल द कंपोस्टेबल क्योंकि इट इज आल्सो द डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन्स इच कार्बन कंपाउंड ही सो एक इसकी ये प्रॉपर्टी है जो है जनरल कार्बन कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी दैट इज कंबशन वो इसकी भी प्रॉपर्टी है इसकी केमिकल प्रॉपर्टी में भी कंबशन है दैट मींस इट इज कंपोस्टेबल सब्सटेंस यानी जो जलाने के काम में भी इस्तेमाल किया जा सकते हैं जिसको आग लग सकती है विच प्रोड्यूसेस हीट एनर्जी व्हेन इट इज रिएक्टेड विद ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ आयर व्हेन एवर इथेनॉल रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ आयर इट गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड प्रोड्यूसेस हीट दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड इट इज कंबस्टेबल सब्सटेंस इथेनॉल इज कंबस्टेबल सब्सटेंस ठीक इट इज Highly inflammable. अगर आपने टी वी तो आवाज करते हैं इसमें अगर है ही नहीं है तो लेकिन सीखने के लिए भी बहुत चीज़ें मिलती हैं वहाँ पर कभी कभी आप देखते हैं कि कहीं पर शराब को शराब की वजह से शराब को पेट्रोल की सूरत में इस्तेमाल करके आग दी जाती है यानी किसी चीज़ को शराब छिड़क कर उसके ऊपर शराब छिड़क कर उसको आग दी जाती है तो वहाँ पर आप देखते हैं कि देट डज नॉट टेक एनी टाइम टू कैच फायर Why? Because ethanol is highly inflammable. यानी जो ही इसको ignition temperature मिलता है it burns with help with in the form of flames. और इसकी जो flame होती है that is non-luminous flame. इसकी जो flame होती है that is non-luminous blue flame. When it burns in presence of oxygen, it burns with a non-luminous blue flame. The reaction can be shown like this CH3CH2OH when reacted with oxygen in presence of some heat theek thodi bahut heat dene se kya hoga it gets converted into carbon dioxide plus water plus energy in the form of heat to yahan par energy bahut zyada liberate hoti hai उससे जितनी एनर्जी यहाँ पर रिएक्ट होने के लिए दरकार है उससे ज़्यादा एनर्जी वापस प्रोड्यूस करता है व्हेन इट गेट्स कंबस्ट व्हेन इट गेट्स फायर दैट इज़ व्हाई द रिएक्शन द कंबस्टन ऑफ इथेनॉल इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन कैसे ची कंबस्टन ऑफ इथेनॉल एक्सोथर्मिक रिएक्शन बिकॉज सब प्रत कह रिएक्शन गए एक्सोथर्मिक यत मज प्रोडक्टस मज एनर्जी नियर ज्यादा एज कंपेयर टू द रिएक्टर मज एब्जॉर्ब गस इन विच गिव्स मोर एनर्जी इन प्रोडक्ट्स एज कंपेयर टू द एनर्जी इन्वॉल्वड इन द रिएक्टेंट्स इन विच रिएक्टेंट मज एनर्जी इन्वॉल्व गए रिएक्ट गस खत तम खत ज्यादा एनर्जी यत रिएक्शन मज प्रोड्यूस गस इन द प्रोडक्ट्स दैट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक एनर्जी द रिएक्शन ऑफ इथेनॉल विद ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ आयर इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन बिकॉज लॉट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड लिबरेटेड व्हेन इथेनॉल बर्न्स इन प्रेजेंस ऑफ आयर दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन ये होगी इसकी कंबशन तो कंबशन में आपको ये रखना है इथेनॉल इज हाईली कंबस्टेबल बर्न्स विद अ नॉन ल्यूमिनस ब्लू फ्लेम व्हेन ट्रीटेड विद ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ आयर फिर रिएक्शन दिखानी है दिस कंबस्टन ऑफ इथेनॉल इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन बिकॉज लॉट ऑफ एनर्जी इज लिबरेटेड आउट अलॉन्ग विद कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर अलॉन्ग विद कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर व्हेन इथेनॉल इज कम्प्लीटली बर्न अगर हम इसको कम ये करेंगे जिससे बैलेंस करेंगे ठीक टूवाइस कार्बन डाइऑक्साइड यद गस टवाइस गई जो कार्बन टवाइस कार्बन मगर ऑक्सीजन कस बने टू टू जार फोर ये कस आए ऑक्सीजन टू जो कस गई चोर ये आए टू 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 जार फोर ऑलरेडी आए फोर मगर बेच ब्या ऑक्सीजन ठीक उस अत कम हाइड्रोजन कस आए थ्री टू जार सिक्स टू टू जार फोर थ्री टू जार सिक्स टू टू जार फोर गो र गई दह बे गई जो गई बह तो कर हाइड्रोजन कस ट्वेल्व टाइम्स सह कस बन तेल सिक्स टाइम्स एच टू सिक्स टाइम्स एच टू ओ बने सिक्स ऑक्सीजन टू टू जार फोर अगर बैलेंस आप खुद करते तो ज़्यादा बैलेंस होता है क्योंकि इसमें टाइम लगता है ना बैलेंसिंग में आपको ये देखना है कि एटम्स of each element should be equal on both sides aap try kijiye agar to ye to kya tel uske liye main alag video dikhata hu fir balance kaise karenge it will take time
सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी इज, देखो बाकी केमिकल, एक तो कंबशन है, ये तो जनरल प्रॉपर्टी है, लेकिन बाकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो भी इथेनॉल में होंगी, इट विल बी बिकॉज ऑफ दिस फंक्शनल ग्रुप दैट इज ओएच। अब जो भी केमिकल की हमने ऑलरेडी पढ़ा है, फंक्शनल ग्रुप इज द ग्रुप ऑफ एटम्स व्हिच डिटरमाइन द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस। यहां पे जो फंक्शनल ग्रुप है दैट इज ओएच। ऑल अदर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द इथेनॉल आर बिकॉज ऑफ द फंक्शनल ग्रुप दैट इज ओएच। नाउ taking OH into consideration, its second chemical property is reaction with sodium metal, reaction with sodium metal। देखो अगर आपको ये देखना है कि रिएक्शन में क्या होगा, तो आप रिएक्शन पहले लिखिए नीचे CH3CH2OH, that is ethanol plus Na। यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप कुछ है OH, इस ओ एच में क्या है ओ एन एच, ठीक है। यहाँ पे है सोडियम, आपने रिएक्टिविटी सीरीज भी याद रखनी है क्योंकि केमिस्ट्री सारी इंटर रिलेटेड है। रिएक्टिविटी सीरीज में आपने पढ़ा है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, अल्मोनियम, तो बीच में आता है एक जगह हाइड्रोजन, उसके नीचे आता है कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, जिंक, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एक्सेट्रा वगैरह, तो हाइड्रोजन भी इस सीरीज में आता है। इट मीनस कि ये रिएक्टिविटी डिटरमाइन करता है दैट सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, पोटेशियम इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपने पढ़ा होगा मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस इज अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट। पहले मेरे बच्चों आपको ये याद रखना है कि इथेनॉल में रिएक्टिव ग्रुप कौन सा है, दैट इज ओएच। व्हेन सोडियम इज, व्हेन इथेनॉल इज ट्रीटेड विद द सोडियम, यानी व्हेन सोडियम ग्रेन्यूल्स आर पुट इन द सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल, तो वहाँ पर क्या होगा, ये ओएच मॉलिक्यूल है, अत में ओ सिंगल बॉन्ड एच, दिस एच विल बी डिस्प्लेस्ड by sodium because sodium is more reactive, highly reactive than hydrogen, it will displace this hydrogen, the product will be CH3CH2ONa, it will be CH3CH2ONa, it was ethanol, now it will lose all of its property of ethanol because hydrogen is being displaced by sodium, now it will turn into the salt of the sodium that is called sodium ethoxide और सोडियम इथेनोएट, जो आप पढ़ेंगे नाउ इट इज सोडियम इथोक्साइड, सोडियम इथोक्साइड। तो प्लस क्या होगा, हाइड्रोजन को गैस, हाइड्रोजन विल बी लिबरेटेड इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन गैस दैट इज एच टू। तो आप इसको यहाँ पर ट्वाइस कीजिए, ठीक, तो यहाँ पर भी जब आप यहाँ पर ट्वाइस करेंगे तो यहाँ से भी ट्वाइस, तो यहाँ से भी ट्वाइस। हाउ कैन वी टेस्ट दिस रिएक्शन, दिस रिएक्शन कैन बी टेस्टेड इन द लेबॉरेटरी। अगर इस टेस्ट ट्यूबस मज नो स्माल अमाउंट ऑफ क्या नो तथ मथनॉल, पे त्रो साफ प्योर ग्रेन्यूल्स ऑफ सोडियम मेटल मजे, सोडियम मेटल मज त्रो अत ग एवल्यूशन ऑफ गैस, इस एवल्यूशन ऑफ गैस अत ग, अगर तथा गैसस करो टेस्ट विद द हेल्प ऑफ द फ्लेम, फ्लेम थो एट द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब, दिस फ्लेम विल बर्न विद द पॉप साउंड, अत ग ठीक, दैट पॉप साउंड इज द करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस बर्न विद द पॉप साउंड। ये हाइड्रोजन गैस क्या द्रव, ये द्रव इथेनॉल में, किम को डिस्प्लेस सोडियम, गो सोडियम रिएक्ट्स या इथेनॉल रिएक्ट्स विद द सोडियम मेटल टू फॉर्म द साल्ट ऑफ सोडियम एंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। अब रिएक्शन में यही लिखना है, व्हेन इथेनॉल रिएक्ट्स विद, व्हेन इथेनॉल रिएक्ट्स विद sodium metal, it produces hydrogen gas along with the formation of sodium ethoxide, it produces hydrogen gas, kaun sa gas produce karta hai ethanol se, hydrogen gas along with, aur kya banta hai, along with the formation of sodium ethoxide, ye yahan pe banega sodium ethoxide, but this is how ethanol reacts with sodium metal. Third chemical property of the ethanol is the reaction with concentrated sulfuric acid, its third chemical property is reaction of ethanol with concentrated sulfuric acid, the reaction of ethanol
with concentrated H2SO4, that is concentrated sulfuric acid. Concentrated sulfuric acid. पहले रिएक्शन देखते हैं, फिर ऊपर लिखेंगे क्या होगा? CH3CH2OH when treated with concentrated H2SO4. But this reaction is carried out at a temperature of 443 Kelvin. When ethanol is treated with, इसके लिए temperature देना जरूरी है, फिर ये reaction होगी. When ethanol is treated with concentrated sulfuric acid at a temperature of 444 Kelvin, it produces, so it gets converted into an unsaturated hydrocarbon. Unsaturated hydrocarbon. यहाँ पर एक दिलचस्प बात हो जाती है. अभी तक ये saturated compound था. अगर मैं इसकी structure यहाँ पे बनाता ना, ऊपर यह ऐसे था. CH3 single bond CH2 single bond OH. लेकिन when it is treated with concentrated H2SO4 at 443 Kelvin, it gets reduced. It gets converted to unsaturated hydrocarbon that is called ethene. क्या बन गया ये? Ethene along with the production of water molecule. अभी गर्मी का मौसम स्टार्ट हो रहा है. ठीक, गिलास, मेव, different किस्म के जो फ्रूट्स हैं वो भी तैयार होने जा रहे हैं. तैयार नहीं हुए लेकिन तैयार होने जा रहे हैं. अब कभी कभी बच्चे क्या करते हैं कि वो अनराइपड फ्रूट्स बाग से लेकर आते हैं और खाते हैं. फिर क्या होता है कि शाम को ही या अगले सुबह ही उसको डॉक्टर के पास ले जाना पड़ता है. वो डॉक्टर कहते हैं कि सर ये उसका सर डहेरिया. डहेरिया मीन्स लॉस ऑफ वाटर. और डॉक्टर से पहले यह कहता है कि एम क्या शिक्षा मत. वो ऐसा क्यों पूछता है? क्योंकि ही ट्राइज टू फाइंड आउट द काज ऑफ डहेरिया. ये किम सद गो डहेरिया. फिर हम उसे कहते हैं कि यह गुत बागस मन एम खेत फलानी मेव इस वह तैयार गुत कहें. तो पा सह दैट इज वाई कि यह फलानी मेव खेम तमी सो यह डहेरिया. गो यम सहेरिया गो सह बनो अमस डहेड्रेटिंग एजेंट. क्या बनो? डिहाइड्रेटिंग एजेंट. अब देखिए यहाँ पर इथनॉल को क्या होता है. जरा आप देखिए इथनॉल के साथ क्या हो रहा है. वैन इथनॉल इज ट्रीटेड विथ सल्फ्यूरिक कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड. जरा देखिए इथनॉल को क्या हो गया. इथनॉल वो क्या बनोमुत इथीन. मगर क्या बनो इथीन? अत क्या गुत लॉस वाटर. ये कुछ सबस्टेंस मज वाटर गॉस तथा क्या वनान डहेरिया. तो दिस रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड डहाइड्रेटिंग रिएक्शन. यह में भी डहाइड्रेशन होती है. किसकी डहाइड्रेशन? इथनॉल की डहाइड्रेशन होती है. किससे होती है? किससे होती हैं शबाश? कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड. इसलिए इस रिएक्शन को कहते हैं एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ इथनॉल. इसे कहते हैं एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ इथनॉल. क्योंकि जो ही इथनॉल को ट्रीट किया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड से, यानी एसिड से, इट गेट्स डिहाइड्रेट, इट लूजेस द वाटर मॉलिक्यूल एंड गेट्स दैट इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन. वो दिस रिएक्शन ऑफ इथनॉल विद द कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज कॉल्ड एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ इथनॉल. बिकॉज ड्यूरिंग दिस रिएक्शन इथनॉल गेट्स कन्वर्टेड टू इथीन अलॉन्ग विथ द प्रोडक्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल. तो आप पहले ये लिखेंगे या नीचे भी लिख सकते हैं, इथनॉल रिएक्ट्स विथ concentrated H2SO4 that is sulfuric acid at 443 Kelvin to produce ethene, yeah, to produce unsaturated hydrocarbon called ethene along with the loss of water molecule. तो एक तो इथेन बनता है, दूसरा एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर लॉस होता है इथेन से. दैट इज वाई दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ इथनॉल. बिकॉज ड्यूरिंग दिस रिएक्शन इथनॉल गेट्स डिहाइड्रेटेड. इथनॉल लूजेस वाटर, हेंस इट इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन. और ये वाटर किससे लॉस होता है? एसिड से. दिस रिएक्शन ऑफ इथनॉल इज कॉल्ड एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ इथनॉल.
अभी वो भी क्लिनिकल प्रॉपर्टीज हैं, इट इज एनफ फॉर टुडे, थ्री प्रॉपर्टीज आर एनफ. इंशाल्लाह सी यू अगेन टुमारो विद द सेम टॉपिक. टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस टाइम एट योर होम. खुदा हाफिज़.